डियर चिल्ड्रेन, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार का अध्ययन करेंगे। तो अलंकार क्या है? अलंकार जैसे सोने से सुवर्ण या स्वर्ण से, जैसे स्वर्ण से आभूषण बनाया जाता है और आभूषण के द्वारा शारीरिक शोभा बढ़ती है, वैसे ही सुवर्ण, सुवर्ण माने सुंदर अक्षर से, सुंदर अक्षर से अलंकार बनता है और उससे काव्य की शोभा बढ़ती है। तो अलंकार क्या है? अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धनकार। अलम माने अलंकृत और कार माने करने वाला, अलंकृत करने वाला, अर्थात अलंकरोतित अलंकारा, जो अलंकृत करे वही ही अलंकार है। तो आए हम सब इसका अध्ययन करें। जैसे शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण की आवश्यकता होती है, वैसे ही काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए काव्य की शोभा काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए के लिए अलंकार की आवश्यकता होती होती है। जैसे स्वर्ण के द्वारा, जैसे स्वर्ण के द्वारा आभूषण बनता है, वैसे ही सुवर्ण, सुंदर अक्षर के द्वारा अलंकार बनता है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलंकार दो शब्दों, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलंकार आलम और दूसरा है कार। आलम मिस होता है अलंकृत कर, अलंकृत। कार मतलब होता है करने वाला, अर्थात अलंकृत करने वाला, अलंकृत
करने वाला। तो अलंकार का अर्थ है अलंकृत करने वाला, इसीलिए कहा गया है इति अलंकार। तो देखिए अलंकार, जैसे शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण की आवश्यकता होती है, वैसे ही काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार की आवश्यकता होती है। और जैसे सोने के द्वारा आभूषण बनता है और वो हमारे शरीर की शोभा बढ़ाता है, वैसे ही सुवर्ण यानी सुंदर अक्षर के द्वारा अलंकार बनता है और वह काव्य की शोभा बढ़ाता है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलंकार आलम और कार। आलम का अर्थ होता है अलंकृत, कार का अर्थ होता है करने वाला, अलंकृत करने वाला, इसी को कहा गया है अलंकरोदित अलंकारा, अर्थात जो अलंकृत करे वही अलंकार है। काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ा दे अलंकार कहलाता है। अलंकार की परिभाषा देखें, काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ा दे, काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ा देता है अलंकार कहलाता है। अलंकार के भेद, अलंकार दो प्रकार के होते हैं, अलंकार काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ा देता है अलंकार कहलाता है। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, लेकिन आचार्य भोज ने उभय अलंकार को इसका तीसरा रूप भी माना है। अलंकार के भेद, अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अलंकार को लेकिन आचार्य भोज ने उभय अलंकार को अलंकार का तीसरा रूप माना है। अब शब्द अलंकार जब शब्द के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है, शब्द के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है,
तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। देखिए, लेकिन आचार्य भोज ने उभय अलंकार को अलंकार का तीसरा रूप माना है। शब्द अलंकार, जब शब्द के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। यह कुछ वर्णगत या कुछ पणगत शब्दगत या कुछ वर्णगत कुछ शब्दगत या कुछ वर्णगत या कुछ वर्णगत कुछ शब्दगत कुछ शब्दगत तथा कुछ वाक्यगत होता है। देखिए, शब्द अलंकार, जब शब्द के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। या कुछ वर्णगत कुछ शब्दगत तथा कुछ वाक्यगत होता है या होते हैं। देखिए, शब्द अलंकार कुछ वर्णगत होते हैं जो अक्षरों पर आधारित होते हैं, और कुछ शब्दगत होते हैं जो शब्दगत होते हैं वह शब्दों पर आधारित होते हैं, और कुछ वाक्यगत होते हैं वह वाक्य पर आधारित होते हैं। जैसे अनुप्रास में जो है पहला छेक का अनुप्रास है जो वर्णगत होता है, और दूसरा जो लाटा अनुप्रास होता है वो वाक्यगत होता है। ऐसे यमक होता है जो शब्दगत होता है। तो ऐसे आए हम अध्ययन करें शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के भेद, पांच नंबर एक अनुप्रास, नंबर दो यमक, नंबर तीन श्लेष, नंबर चार वक्रोक्त, नंबर पांच पुनरुक्ति प्रकाश, और नंबर छह है विप्सा अलंकार। विप्सा, तो शब्द अलंकार छह प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्त, पुनरुक्ति प्रकाश और विप्सा। तो आज हम अनुप्रास के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने अभी पढ़ा है कि शब्द अलंकार छह प्रकार के होते हैं, लेकिन आचार्य जयदेव ने वक्रोक्त अलंकार को अर्थालंकार भी माना है, लेकिन ज़्यादातर मनुष्यों ने या विद्वानों ने उसे शब्द अलंकार के अंतर्गत ही रखा है वक्रोक्त अलंकार को। तो सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार को पढ़ेंगे। जब
एक बाण की आवृत्ति, जब एक बाण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार आए, अधिक जब एक बाण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए, जहां एक वर्ण या व्यंजन वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे दम के दतिया दुत दामिन जो किल के कल बाल विनोद करे, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में भीरे। तो यहाँ दम के दतिया दुत दामिन में दा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, और उधर किल के कल बाल विनोद करे, तो किल के कल, किल के में का और बाल विनोद में बा अक्षर की, यानी इसमें तीन वर्ण की दा और का और बा बार बार हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ऐसे खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मदपान, रहमन दाबे ना दबे जाने सकल जहान। यहाँ खा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। या सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। तो यहाँ पर सब वर्ण की आवृत्ति बार बार है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ऐसे मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो यहाँ पर माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। या कहा जाता है मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय में मदन मोहन मालवीय, इसमें माँ अक्षर की आवृत्ति बार बार है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। या गद्य में कुछ लोग कहते हैं पके पेड़ पर पका पपीता, तो पके पेड़ पर पका पपीता, ये यहाँ पर भी पा वर्ण की आवृत्ति बार बार है, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होता है। या चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, तो यहाँ पर भी चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो हम आवे अनुप्रास अलंकार के कई उदाहरणों के माध्यम से अध्ययन करें। तो जैसे मुदित महीपत मंदिर आए, मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहां पर देखिए मां माँ माँ और सा सा सा, यानी यहाँ पर या उपरोक्त वाक्य में कह सकते हैं, यहाँ पर माँ व सा वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। इनके अन्य उदाहरण देखिए, जैसे खैर खून खैर खून खांसी
खुशी खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान रहमन रहमन दाबे न दबे जाने सकल जहान देखिए यहां पर खा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो इसलिए यहां पर भी अनुप्रास अलंकार है। ये रहीम दास जी की रचना है और यह तुलसीदास जी की मुदित महिपत मंदिर है सेवक से सुमंत बुलाए। दूसरा उदाहरण सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी ये भी तुलसीदास जी की रचना है तो इसमें सावण की आवृत्ति बार बार हो रही है। सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। तीसरा उदाहरण तरानी तनुजा तट तमाल तरानी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए ये भारतीय हरिश्चंद्र की रचना है। देखिए इसमें तावण की आवृत्ति बार बार होती है इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा देखिए धमके दतिया दूती दामिन जो हमके दतिया दुतिदा मिल जो किलके कलबाल विनोद करे किलके कल बाल विनोद करे अवधेश के बालक चारि सदा अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन में बिहिरे तुलसी मन मंदिर में बिहिरे। या रहमन रहला की भली जो परसत मन लाए परसत मन मैला करे सो मैदा जर जाए। तो देखिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार जब एक वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो तो होता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए तो यहाँ पर माँ वर्ण की आवृत्ति कई बार है इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण हमारा है खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान रहमन दाबे ना दबे जाने सकल जहान। यहाँ पर खावण की आवृत्ति बार बार हो रही है इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है ऐसे दिया हुआ है। दूसरा उदाहरण सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी यहाँ पर सावण की आवृत्ति बार बार हो रही है इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ऐसे तीसरा है तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुचाहे
यहाँ पर भी तावण की आवृत्ति बार बार है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ऐसे चौथा है धमके दतियाँ दुति दामिन जो किलके कलबाल विनोद करे अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में भीरे। तो यहाँ पर दावण की आवृत्ति बार बार है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। देखिए एक उदाहरण और देखिए, चारु चंद्र की चारु चंद की चंचल किरणें, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, खेल रही है जल थल में। चार चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है हवन और अंबर तल में। तो देखिए हमें खाली अनुप्रास देखना है, तो इसमें चा वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो चा वर्ण की आवृत्ति इसमें बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब हम अनुप्रास अलंकार के भेद पढ़ेंगे। तो अनुप्रास अलंकार के पांच भेद हैं, छेका अनुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटा अनुप्रास, श्रुत्या अनुप्रास और अंत्यानुप्रास। तो छेका अनुप्रास, छेक मतलब चतुर होता है, जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक ही बार आवे, जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक ही बार आवे और वृत्या में दो बार आवे, यानी छेका में एक बार, वृत्या में दो बार, और लाटा में वाक्य ही यानी वाक्य खंड या शब्द ही दो बार आवे या दो बार उसकी आवृत्ति हो, तो वहाँ पर लाटा अनुप्रास हो जाता है। ऐसे जब सुनकर अनुप्रास हो तो वहाँ पर श्रुत्या अनुप्रास होता है, और जब अंत में अनुप्रास हो तो वहाँ पर अंत्या अनुप्रास होता है। तो इस प्रकार कल हम अनुप्रास अलंकार के भेद कल हम पढ़ेंगे। अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।